कथा को जितना बांटा जाए उतना लाभप्रद है। और ये बात मैंने भी बार बार कही है, इंग्लिश में कहें तो शेयर किया जाए, जो सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोग हैं, कथा को बांटो, दूसरों तक पहुंचाया जाए। जो दूसरों को प्रेरित करते हैं ऐसे प्रेरक भगवान की नजर में ऊपर उठते हैं। संत लोग भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं? यही कारण है। संत लोग कहीं से भी कैसे भी किसी को भी भगवान के चरणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, यही संतों का राष्ट्रीय कार्य है, कहीं से भी कैसे भी किसी को भी भगवान के चरणों तक जोड़ना। इसलिए संतजन भगवान को बड़े प्रिय हैं। हम भी भगवान को प्रिय बने उसके लिए धर्म से लोगों को जोड़ें, क्योंकि यही तो शाश्वत है। जगत में केवल और केवल हरि भजन ही सत्य है। वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक यही तो सत्य है प्यारे, और तो सब मिथ्या है। मां आनंदमयी माता ने बहुत प्यारा सूत्र दिया था एक बार, कि भगवान की कथा ही एक कथा है, बाकी तो सब वृथा है और व्यथा है। सत्य जीवन का कुछ है तो वह है हरि भजन। भगवान शंकर ने भी पार्वती माँ को कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ज्यादा से ज्यादा कथा में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कहीं से भी देखो, आपको सत्संग का लाभ मिलता हो तो वहीं जुड़ो। मेरे कहने का गलत अर्थ न करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी कथा जब हो तभी आप टेलीविजन से जुड़े, नहीं। जिस भी महापुरुष को सुनने में आपको आनंद मिले, रस मिले, सुनो। और इसलिए मैं कहता हूं कि वक्ता से प्रीति न हो, वक्तव्य से प्रीति होना चाहिए, भगवान की कथा से प्रीति हो। तो कथा से प्रीति होगी तो फायदा यह होगा कि कोई भी गाने वाला होगा आपको कथा से प्रेम होगा। बाबा तुलसी ने मानस में कहा वाल्मीकि जी के प्रसंग में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, बर ही निरंतर लेकिन हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूढ़े। जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए तो प्रभु ने पूछा, बाबा आप बताइए मैं रहूं कहां? तो महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर बोले कि प्रभु पहले आप ही बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं। कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, आप कहां नहीं हैं मालिक। फिर भी आपने मुझे पूछा है तो मालिक मैं आपको बता दूं, ऐसे भक्त के भीतर आप रहिए जो आपकी कथाएं सुनते 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 कभी भरे ना, जिसका मन कभी भरे ना। समुद्र की तरह, समुद्र में हजारों नदियों का जल आता रहता है लेकिन समंदर कभी भरता नहीं है। और दूसरी खास बात, समुद्र कभी यह भी नहीं कहता कि मेरे भीतर पवित्र नदियों का ही जल आए, गंगा जल, यमुना जल, सरजू का जल, समुद्र कभी ये नहीं कहता। कोई भी जल आए उसको स्वीकार है। भक्त का भी हृदय, जिसका हृदय इस तरह हो, भर ही निरंतर लेकिन हो ही न पूरे, गाने वाला कोई भी हो भगवान की कथा होनी चाहिए। इसलिए तो सुंदरकांड का ही प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका नगरी में अशोक वाटिका में सियाज को देखे, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दी,
हनुमान जी की नजर पड़ी कि यहाँ सीता जी बड़ी दुखी हैं, बड़ी उदास हैं। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब हनुमान जी पहुंचे हैं तो हर पुत्र का धर्म है अपने माता पिता को प्रसन्न करे। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, ध्यान देना, वह भीतर से कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। पुत्र का धर्म है जिस पिता ने जिस माँ ने गोद में लेकर तुमको दुग्ध पान कराकर बड़ा किया, बुढ़ापे में तुम उसकी सेवा करो, उसके आंख में अश्रु न हो, वो उदास न हो। हनुमान जी ने सोचा कि मैं यहां पहुंचा हूं और मेरी मां उदास है तो मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने उसी वृक्ष पर बैठे बैठे तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करूं कह भाई। मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं। और ये भाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, मानो हनुमान जी ने लक्ष्मण भैया को पूछा कि लखन भैया आप बताइए, कभी प्रभु उदास हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? तो मानो उधर से सिग्नल मिल गया, इशारा हो गया कि जब प्रभु कभी उदास होते हैं ना तो मैं प्रभु के सामने सीता जी की कथाएं गाता हूं, भगवान मुस्कुरा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ओहो, जब प्रभु राम सियाजु की बातों से खुश होते हैं तो निश्चित है कि हमारी मां भी प्रभु राम की बातों से खुश होगी। इसलिए रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सीता कर दुख। जो जहां से सुन रहे हैं वो गाएं। राम कथा गाने का आनंद है, जितना हो सकेगा। जूम वाले भी हाँ, जो जूम पर बैठे हैं उनको भी कहूं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा, सुन तही सीता। ऐसे भाव से हनुमान जी महाराज राम कथा गाने लगे, सुन तही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज ने राम कथा गाई और सीता जी का दुख दूर हो गया। तो सियाजू ने कहा कि इतनी सुंदर कथा गाने वाले आप कौन हैं, सामने तो आइए। और देखो हनुमान जी कथा ऊपर से बैठकर गा रहे थे और सियाजू नीचे बैठी थी, सुन रही थी। कई लोग पूछते हैं ना कि व्यास पीठ पर इतना ऊपर क्यों बैठते हैं वक्ता लोग, यही कारण, ये परंपरा हनुमान जी ने शुरू की थी। हाँ, अब किसी को पूछना हो तो हनुमान जी को जाकर पूछ रहा कि आपने ऊपर बैठकर क्यों गाया। ये तब से परंपरा शुरू हुई कि श्रोता नीचे बैठते हैं और वक्ता ऊपर होते हैं। तो सीता जी ने कहा कि इतनी सुंदर कथा गाने वाले आप छुपे क्यों हैं, आप बाहर आइए ना। तो उस वक्त मानो हनुमान जी ने ये इशारा किया श्रोताओं को कि भगवान की कथा से प्रीति होनी चाहिए, कथाकार से नहीं, हां वक्तव्य से प्रीति हो, वक्ता से नहीं। क्योंकि वक्ता कभी चला भी जाए दुनिया से तो आपकी कथा भी बाधा नहीं होनी चाहिए, भगवान की कथा से प्रीति हो। भाई शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, इसमें तमाम रोग व्याधियां भी होती हैं। मान लो कभी गला ही खराब हो या तबीयत बिगड़ जाए, कुछ भी हो, तो कथा से तो वंचित न हो ना। कथा जहां से मिले कथा से प्रीति हो।